स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग सीखेंगे कैसे किसी वर्ड के एंड में सफिक्स लगा करके और उस वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एक बार यहां ध्यान से देखेंगे, सफिक्स लगाने का तरीका क्या होता है। कोई भी एक वर्ड होता है, चाहे ये नाउन वर्ड हो या एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, चाहे वो किसी भी फैमिली का हो, नाउन फैमिली का हो, वर्ब फैमिली का हो या एडजेक्टिव फैमिली का हो, उसके लास्ट में सफिक्स आके एड हो जाता है। सफिक्स मीन्स जो किसी दूसरे वर्ड के एंड में आके ऐड होता हो, लास्ट में आके ऐड होता हो। एक और वर्ड होता है स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का फंक्शन सफिक्स के ठीक अपोजिट होता है। प्रीफिक्स हमेशा वर्ड के पहले ऐड होते हैं और सफिक्स जो वर्ड के एंड में ऐड होते हैं। आपको याद होगा प्राइवेट एक एडजेक्टिव वर्ड है, प्राइवेट के एंड में ये सफिक्स ऐड होगा और एक नया वर्ड बनेगा प्राइवेसी। एक और खास बात का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ऐसे सफिक्सेस होते हैं जो ओरिजिनल वर्ड के कुछ पोर्शन को ट्रिम कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट के एंड में ये तीन लेटर हैं, ए टी ई, ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये ट्रिम्ड हो जाएंगे, पहले इनको कट करके हटा दिया जाएगा और लास्ट में ए सी वाई ऐड हो जाएगा, पी आर आई वी, यहां तक सेम है, ए टी ई रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पे ए सी वाई ऐड हो गया। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि जो ओरिजिनल वर्ड होते हैं उसमें एज इट इज सफिक्स ऐड करके और नए वर्ड नहीं बनाए जाते। कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं एक्सिस्टिंग वर्ड में, ओरिजिनल वर्ड में उसके कुछ पोर्शन को हटा दिया जाता है और फिर उसमें सफिक्स ऐड किया जाता है। आवर सफिक्स इज, फर्स्ट एग्जाम्पल ए सी, आवर सफिक्स इज ए सी वाई, इट इज एडेड टू प्राइवेट टू मेक प्राइवेसी एक्यूरेट, एट द एंड A D is replaced and A C Y is added to form accuracy. Urgent leads to the formation of urgency. इस तरह से लोग देखते हैं सफिक्स लगा के कैसे नए वर्ड बनाए जाते हैं। एक बार मैं आप लोगों को इन सबके सफिक्स लगे हुए कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं ये बताऊंगा, फिर आपने वीडियो को पॉज करना है और उसे लिखने की कोशिश करना है और देखना है कि आप उनमें से कितने इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाते हो, याद रख पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, पास प्लस इज पैसेज, ब्रेक लीड्स टू ब्रेकेज, शॉर्ट लीड्स टू शॉर्टेज, बॉन्ड लीड्स टू बॉन्डेज, मैरी लीड्स टू मैरिज, वेस्ट लीड्स टू वेस्टेज, ये नए वर्ड्स बने। पास से क्या बना? पासेज। ब्रेक से क्या बना? ब्रेकेज। शॉर्ट से क्या बना? शॉर्टेज। बॉन्ड से क्या बना? बॉन्डेज। मैरिज से बना? मैरिज। वेस्ट से बना? वेस्टेज। सबके एंड में ए जी ई एड हो रहा है। द नेक्स्ट सफिक्स इज ए एल, लास्ट में ई रिप्लेस हो जाएगा। अराइव अराइवल, सर्वाइव सर्वाइवल, डिसमिस डिसमिसल, ट्राई ट्रायल, वाई रिप्लेस हो जाएगा, ए एल आई ए एल एड होगा। प्रपोज प्रपोजल, ब्यूरिन burial. Then another suffix is dom, which leads to free, leads to freedom. Dom adds to wise to make wisdom. King, kingdom. The next suffix is hood. This is boyhood, girlhood, childhood, motherhood. In fact, students, ये कोई नया तरीका नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन के, पहले मैंने बताया था तीन तरीके, from noun, from verb and from adjective. एक्चुअली ये जो नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, उन्हें मॉडिफाई किया जाता है सफिक्स लगा के और नए वर्ड फॉर्म होते हैं। यहां मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं उन्हें अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे, उन्हें खुद लिखने की कोशिश करेंगे और फिर मैं थोड़ी देर में आपको आंसर्स देता हूं। स्टूडेंट्स, अब मैंने ओरिजिनल वर्ड और उससे फॉर्म होने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों आपके सामने लिख दिए हैं। आपने इन्हें कंपेयर कर लिया होगा और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो और आप लोगों ने जो वर्ड्स लिखे होंगे वो मैं उम्मीद करता हूं कि 100% सही होंगे। थैंक यू। इस बार फिर से हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।